बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने चैनल टेक्निकल हब महर में और मैं हूं उमर सई। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि गाड़ियों के नए नए फीचर्स और टेक्नोलॉजी को लेके हम आपके लिए नई नई वीडियोस लेके आते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिलचस्प होती हैं। ऐसा ही हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प होने वाली है, तो जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जुड़े रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों आज हम जिस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं वो है जैक T6 4x4 2023 मॉडल। दोस्तों जैक T6 4x4 2023 मॉडल की अगर पाकिस्तान में कीमत की बात की जाए तो अभी तक पाकिस्तान में इस गाड़ी की कीमत लॉन्च नहीं की गई, लेकिन उम्मीद है इसकी लॉन्चिंग के साथ ही इस गाड़ी की फाइनल कीमत भी पाकिस्तान में लॉन्च कर दी जाएगी। दोस्तों आपको बताते चलें कि जैक T6 4x4 एक ट्रक है जो कि 135 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 5 IBFT टॉर्क के साथ अच्छा चलता है, जिसमें 320 हॉर्स पावर का एक इंजन देखने को आपको मिलेगा। दोस्तों अगर कलर्स की बात करें कि ये गाड़ी आपको कौन कौन से कलर्स में दस्तयाब होगी, तो उसमें सुरख, स्याह, सफेद, ब्लैक और ब्लू जैसे खूबसूरत कलर आपको इस गाड़ी में अवेलेबल मिलेंगे। और अगर इंजन की बात की जाए तो इस गाड़ी में आपको 3600 सीसी का एक इंजन देखने को मिलेगा जो कि 135 टॉर्क और 220 NP RMP और 1600-500 पर मुश्तमिल इंजन देखने को आपको इस गाड़ी में मिलेगा, जिसकी हद रफ्तार 150 किलोमीटर पर आवर है। और दोस्तों अगर माइलेज की बात करें तो शहर भर में ये गाड़ी आपको 12 से 13 किलोमीटर और हाईवे पर ये गाड़ी आपको 15 से 16 किलोमीटर की एवरेज देगी। और अगर वारंटी की बात करें तो ये गाड़ी आपको 50,000 किलोमीटर और 5 साल की वारंटी में दस्तयाब मिलेगी। इसका मतलब ये है कि इस दौरान इस गाड़ी में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कंपनी आपको इसकी फ्री में रिकवरी करके देगी, जो कि इसकी पायदारी और मजबूती का एक मुंह बोलता सबूत है। और दोस्तों अगर फ्यूल टैंक की गुंजाइश की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 35 लीटर फ्यूल टैंक की गुंजाइश देखने को मिलेगी, जो कि काफी अच्छी खासी गुंजाइश है। और दोस्तों बात कर लेते हैं इस गाड़ी की लुकिंग के बारे में। इस गाड़ी की लुकिंग इतनी खूबसूरत है कि वो अपना मयार आप रखती है। इसका फ्रंट पे लगा हुआ मोनोग्राम इसकी खूबसूरती को और ज्यादा चार चांद लगाता है। इसकी खूबसूरत हेडलाइट्स अपना मयार आप रखती हैं। इसकी स्क्रीन आला मयार के साथ तैयार की गई है। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि कोई भी गाड़ी की अगर टेक्नोलॉजी की बात हो तो उसमें उस गाड़ी की रोड ग्रिप को बहुत ज्यादा मद्देनजर रखा जाता है। इसलिए इस गाड़ी की बनावट ऐसी की गई है कि इसके टायरों की बनावट ऐसी है कि वो हाई स्पीड पर भी अपनी रोड ग्रिप नहीं छोड़ती और आपको एक पूरे एतमाद ड्राइविंग का एहसास दिलाती है। और दोस्तों आपको इस गाड़ी में पीछे एक 3 फुट का कैबिन भी देखने को मिलेगा जिसमें आप लॉन्ग ड्राइव पर अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। और अगर इस गाड़ी की इंटीरियर की बात की जाए तो 4 सीटर ये गाड़ी, और अगर इसके इंटीरियर की बात की जाए तो इस गाड़ी की 4 सीटर टोल लेदर के साथ बनाई गई हैं, जो कि टोटली हैंड मेकिंग है। उसके साथ साथ आपको इस गाड़ी में पावर ब्रेक, पावर स्टेयरिंग और बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे आपको किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।